तो भाई कैसे हैं सब लोग। हमारी जीएसटी की सीरीज में आज क्लास थर्ड है, क्योंकि तो हमारी एमपीपीएससी की टैक्स असिस्टेंट के लिए तो आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू करेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेजर इसमें से 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो देखते हैं। चलिए, पहला है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पर, सेक्शन 8 के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? जब कोई मेन सर्विस के साथ या मेन गुड्स के साथ एसेंशियल नेचर की हम गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हमारी क्या कंपोजिट सप्लाई हो जाती है। और ये नेचुरल बंडल होती है, इसमें जो टैक्स रेट लगती है वो मेन गुड्स या सर्विस की लगती है। इसका आंसर क्या होगा? टैक्स रेट एज एप्लीकेबल ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, टैक्स रेट एप्लीकेबल एंसिलरी सप्लाई, टैक्स रेट एज द रिस्पेक्टिव सप्लाई। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ द सप्लाई कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई में हर तरह की सर्विस आती है, चाहे वो कंसिडरेशन लेकर हो विदाउट कंसिडरेशन। आंसर इज सी। व्हाट वुड इज द टैक्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ द मिक्स सप्लाई। अब ये मिक्स सप्लाई क्या होती है? मिक्स सप्लाई होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और मोर, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसमें जो गुड्स की हायर रेट होती है वो टैक्सेबल हो जाती है। यहाँ कौन सा होगा? रेट टैक्स एप्लीकेबल अंडर द लोएस्ट रेट, ये तो होगा नहीं। टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन सप्लाई द हाईएस्ट रेट, ये हो जाएगा। आंसर इज सी। इंटरेस्ट रेट पर क्या लगता है? सब जानते हैं सीजीएसटी आईजीएसटी। इंटरेस्ट रेट में क्या लगता है? आईजीएसटी। और इंट्रा में लगता है सीएनएस। इंटरेस्ट रेट पर क्या लगता है? अभी बताया आईजीएसटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट पर कौन सी सर्विस मानी जाती है? इंपोर्ट हमेशा इंटरेस्ट रेट का पार्ट होता है, तो इंटरेस्ट रेट पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। आंसर इज। मैक्सिमम रेट ऑफ प्रिस्क्राइब अंडर द जीएसटी, दैट इज द 28%। व्हाट टाइप ऑफ द सप्लाई द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड बी अप्लाई। देखो आरसीएम करेंटली सेक्शन 9(4) और 9(3) पर लगता है। 9(3) में कुछ स्पेसिफिक गुड्स हैं और 9(4) में स्पेसिफिक सर्विस, इसीलिए यहाँ दोनों में लगे। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल आरसीएम दोनों में लगता है, इंटरस्टेट एंड इंटरेस्ट। यहाँ आंसर इज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंपोजिशन स्कीम, यहाँ से आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिशन स्कीम के साथ क्वेश्चंस करेंगे। आज जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप करिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिशन स्कीम पर क्वेश्चन करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।